इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट है अपने माँ बाप से बहुत कम। संघर्ष चुने ये भी बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5,000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने अपने राज्य का अपने देश का भविष्य बच गया। मिनट भर के गया था, 15 साल लग गए लौटने के लिए, जीने के लिए, भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। और जब भी कोई सर फिरा बहती हुई गंगा से अपने कान लगा के सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जिंदगी आपको घर से मिलती है और मौत तक आकर सिमट जाती है, तो आपको बड़ा करने वाले भी आपके घर वाले ही होते हैं और जलाने वाले भी घर के लोग ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टी होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं, पर हम बताएंगे एक बार ईमानदारी से बताइए। ये वही कहानी है, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट है अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा अगर ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा के गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वो वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बेस पे कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी, संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं। इसीलिए आप लोग संघर्ष ढूंढो, आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष 2 को एक संघर्ष 1 भी थी जिसमें बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष 1 भी किया था तो उसका कहानी ऐसा ही था कि एक पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाला जाता, निकाल देता है बाप। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर होके मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए, लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना देर मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ।
ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए। और हम लोगों ने संघर्ष टू में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5,000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने अपने राज्य का अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए विधा आसन नहीं बनेगा। क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए। क्योंकि हमने मोबाइल दिए, मोबाइल देकर हम भी खुद सोचते हैं चल यार खेलो, उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है। तो बात यही है और हम लोगों ने संघर्ष टू को उसी के लिए बिल्ट बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होके कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष टू को बनाया। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीजें बनती है, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आदमी का मनोबल कब टूटता है, जब अच्छा चीज करने के बाद उसको तारीफ नहीं मिलती। आप भी हैं, अगर अच्छा न्यूज बनाते हैं अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज की तरफ नहीं जाएंगे। आपके बेहतर न्यूज का अगर व्यूअर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे, अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज नहीं देखेगा तो आप राम का चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है। क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, ये समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि खेसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप ही हैं और आपका भी फैन फॉलोइंग है, आपकी भी व्यूअर है, आपके भी चैनल पे दुनिया सपोर्ट करती है, तब आप कितना बड़े हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटा छोटा अगर कड़ जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की इस संघर्ष को सिर्फ हम लोगों ने इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कैनवास पे चीजें होती हैं। तो एक प्रोड्यूसर जैसे हमारे रत्नाकर भी है, इसको एक पैसे नहीं लगाए, एक बेटे का जीवन संवारने के लिए, और एक सिर्फ एक बेटा की बात नहीं, अपने भाषा का गरिमा, अपने भाषा का भविष्य क्या है, उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपया झोंक दिया। अभी तक की जितने भी इधर फिल्म बनी है सबसे महंगी फिल्म संघर्ष टू है, क्योंकि विदेशों के धरती पे शूट करना बड़ा टॉप जॉब होता है। वहाँ होटल कम से कम 10,000 का एक होता है, अब खाए पिए में तो अपने के एक आदमी का खाना में 20 आदमी खा लिया, ऐसा स्थिति होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की। मेघाश्री का एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग बीच समंदर में शूट कर रहे थे, इनको कपड़ा चेंज करना था और एक टापू था जिसमें कांटे वाले जंगल थे, उसमें घुस नहीं सकता था आदमी। लेकिन इस एक्टर ने वहाँ जाकर कपड़ा चेंज किया। उस दिन से मैं इनका सम्मान मेरे मन में बहुत बढ़ गया और ये बात सबने देखी कि उस कांटों में जाकर भी ये लड़की कपड़ा चेंज करके होटल नहीं गई। तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए इतना मेहनत करता है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि प्लीज आप लोग संघर्ष टू जैसे सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद और अपने भाषा से अपने न्यूज के थ्रू लोगों तक ऐसी मैसेज पहुँचाइए। क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे का कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत देने लगा, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा को किया है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएं और हमारे पास रहें, ताकि वो आने वाले भविष्य में, आज हम जवान हैं तो ठीक है हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीज़ें, यही बचपन, यही चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे यार। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करिए आप। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज़ मांगता है उसे मिल जाती है, तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे, गूगल से नहीं। तो जिंदगी में इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष टू को बनाया ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मैं अपने घर में देखा तो मुझे लगा कि नहीं हमें इस बेस पे काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने रत्नाकर सर को सलाह दिया, फिर पराग पाटिल जी से हम लोगों ने सबने मिलकर
लेकिन ये बिग बजट की फिल्म थी तो कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगा रहा था। तो फिर हम लोगों ने अप्रोच सर को किया और सर ने बोला कि नहीं, जहाँ हमारे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ अगर 2-4-5 करोड़ रुपये डूब भी जाएगा तो हम लगा देंगे, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे।